हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो में आप देखेंगे कक्षा 7 विषय विज्ञान की एक शिक्षण योजना, जिसका टॉपिक है पाठ 17 बल एवं यंत्र। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि साथियों, इस वीडियो को मैंने आए दिन होने वाले निरीक्षणों को ध्यान में रखते हुए बनाई है। यह कोई आदर्श शिक्षण योजना नहीं है। यह तो इसलिए बनाई गई है ताकि आपके विद्यालय में अगर कोई अधिकारी आता है और पूछता है कि भाई आपने शिक्षण योजना बनाई है, तो आप कह सके कि हाँ जी बनाई है, आप इसको दिखा सके। केवल बस इसी बात को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है। और इसमें अगर आपको कुछ कमी नजर आती हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर अवश्य बताएं। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी बता सकते हैं। साथियों, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य वीडियो समय समय पर मिलती रहे। और यदि आप चाहते हैं कि आपको इस प्रकार की वीडियो आपके व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी मिले, तो इसके लिए मैंने दो ग्रुप बनाए हैं, व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर। दोनों ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टेबल बनाएंगे। टेबल में 5 कॉलम होंगे, दिनांक, कक्षा, पाठ, विषय और समय। इसके बाद पहला हेडिंग आता है लर्निंग आउटकम। यहाँ पर 3 लर्निंग आउटकम लिए गए हैं। पहला है बच्चे बल की अवधारणा को प्रयोग द्वारा बताते हैं, तथा तीसरे गुरुत्वीय चुंबकीय विद्युत या घर्षण बल के उदाहरण स्पष्ट करते हैं। नंबर 2, बच्चे मशीनों के उपयोगी तथा सभी मशीनों के प्रकार को उदाहरण सहित बता लेते हैं। नंबर 3, बच्चे दैनिक जीवन में घर्षण बल की उपयोगिता एवं हानियों को बताते हैं। प्रकरण पाठ 17 बल एवं यंत्र। सहायक सामग्री विभिन्न प्रकार के चित्र। अगला हेडिंग शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं। यहाँ पर आपको 4 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम क्रम संख्या का, दूसरा चरण, तीसरा समय और नंबर 4 पर आकलन के तरीके। पहला स्टेप शिक्षण के प्रारंभ में, इसका समय 5 मिनट और आकलन का तरीका प्रश्नोत्तर द्वारा सहभागिता के अवलोकन से। निम्न प्रकार की गतिविधि से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर गतिविधियां लिख दी है, फिर कार्य को व्यक्त कर सकते हैं, धक्का या खिंचाव, इस तरह की गतिविधि बच्चों को कराएंगे। इसके बाद शिक्षण के दौरान बल के प्रकार, संपर्क बल व असंपर्क बल, बल के प्रकार पेशीय बल और घर्षण बल में अंतर स्पष्ट करेंगे, असंपर्क बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, विद्युतीय बल, घर्षण बल की दैनिक जीवन में उपयोग एवं हानियों की चर्चा करेंगे, सरल मशीनों के प्रकार ये बच्चों को बताएंगे, उत्तोलक की भाषा स्पष्ट परिभाषा स्पष्ट करेंगे, प्रथम उत्तोलक हथौड़ी, द्वितीय उत्तोलक सरोता, तृतीय उत्तोलक चिमटी, नंबर 2 पेंच, नंबर 3 झुका हुआ तल, नंबर 4 घिरनी, नंबर 5 पहिया और धुरी। इस तरह से शिक्षण योजना को आगे बढ़ाएंगे। शिक्षण के दौरान जो हमारा स्टेप है, इसका समय होता है 25 मिनट और आकलन का तरीका प्रयोग के दौरान छात्रों के प्रतिभा को देखकर। अगला स्टेप आता है शिक्षण के अंत में, इसका समय 5 मिनट और आकलन का तरीका प्रदत्त कार्य का अवलोकन करके। शिक्षण के अंत में बच्चों को दिए गए कार्य का अवलोकन कर अपेक्षित निर्देश देंगे। इसके बाद सबसे लास्ट हेडिंग आता है प्रदत्त गृह कार्य। यहाँ पर बच्चों को कुछ क्वेश्चन देंगे होमवर्क के लिए, जैसे कि बल कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए, दैनिक जीवन में घर्षण बल का क्या महत्व है, सरल मशीन किसे कहते हैं, इस तरह से बच्चों को क्वेश्चन घर से करने के लिए देंगे। इसके बाद शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्वयं आकलन, आज की योजना कैसी रही, अपना आकलन आप स्वयं लिखेंगे। तो साथियों, यह थी आज की शिक्षण योजना जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।